हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है IGI एविएशन सर्विसेज की तरफ से, बंपर नंबर की सीट के ऊपर। IGI जो होता है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका जो एविएशन सर्विसेज है इसके थ्रू आपका वैकेंसी रहेगा। ये आपका ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए होने वाला है। जो भी 12th पास आउट और अपीयरिंग कैंडिडेट है सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आप भी इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से हम लोग डिस्कशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहले ही बता दिया है आपको कि IGI एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसी आई है। किस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी रहेगी? कस्टमर सर्विस एजेंट CSA की आपकी वैकेंसी आई है। बम्पर नंबर का सीट बताया था ना आपको, टोटल पोस्ट 1074 मतलब 1074 सीट्स के लिए वैकेंसी रहेगी। इस पोस्ट के लिए आपका अप्लाई कब से कब तक होगा? देखिए, ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है, 6 मार्च यानी 6th of March से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन होना। लास्ट डेट 22nd of May रहेगा, 22 मई तक आपका फॉर्म है। लेकिन अगर आप इच्छुक हो, इलिजिबल हो, तो जितना जल्दी हो अप्लाई कर दोगे वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। फ्रेंड्स, अगर एज लिमिट की हम बात करें तो इसके लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे। मतलब कि मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। अब बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपली जिन्होंने 10+2 पास कर रखा है, मतलब जरूरी नहीं कि जिन्होंने पास कर रखा है, जो रिजल्ट का वेट कर रहे अपीयरिंग कैंडिडेट है सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिगार्डिंग आपको बताते चलूं। आपको बताया फ्रेंड्स कि बोथ मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, एविएशन और एयरलाइन का जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होता है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा गया है। 12th आपका अपीयरिंग बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए आपका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किन स्टेज से गुजरने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा? फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ दो स्टेज है। पहले स्टेज पर ऑनलाइन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, फिर मेरिट लिस्ट बनेगा और आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। चलिए ज्वाइनिंग लेटर की तरफ बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी के कैंडिडेट से कितना फी लिया जाएगा। फॉर्म की जो फी है ना, 350 रुपये आपका रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बता देती हूँ सिलेक्शन प्रोसेस में। आप समझ गए कि पहले एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा? फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, उसमें आपको 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के लिए, 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। टाइम विल बी 90 मिनट्स, विच मीन्स कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। एंड देयर इज़ अ प्लस पॉइंट कि कोई सा भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लग रहा है तो आप उसको भी टिक करके आ सकते हो। अब अगर बात करें कि सब्जेक्ट वाइज कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा, देखिए जनरल अवेयरनेस की 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। एविएशन का नॉलेज होना चाहिए, उससे आपको 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, मतलब मैथ प्लस रीजनिंग को कंबाइन करके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। तो ये तो आपका एग्ज़ाम हो गया। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं देन आपको बुलाया जाएगा एक पर्सनल इंटरव्यू में, जहाँ पर आपका इंटेलिजेंस चेक किया जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जैसे एग्ज़ाम का 100 मार्क्स है और उसके बाद इंटरव्यू में आपका जो परफॉर्मेंस होगा, दोनों के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये रहेगा, क्या ये गवर्नमेंट जॉब है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, जहां पर आपको रिक्रूट कराया जाएगा कस्टमर सर्विस एजेंट की पोस्ट के लिए।
अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम का सेंटर कहाँ रहेगा। फ्रेंड्स, एग्जाम का जो सेंटर है ऑल ओवर इंडिया के लिए नोटिफिकेशन में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। तो आप अपने सिटी में ही, अपने ही शहर में एग्जाम दे पाएंगे नियर बाय सिटी चूज करके। सेकेंड थिंग ये होगी कि जॉब का लोकेशन क्या रहेगा। तो आपको पता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में ही आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। मतलब पोस्ट बहुत सारे हैं, उसमें आपको धीरे धीरे प्रमोशन वगैरह भी होता है। कस्टमर सर्विस एजेंट के ही बहुत तरह के पोस्ट रहेंगे, वो सब आप नोटिफिकेशन में थॉरो आउट रीड करके समझ लेना। और फ्रेंड्स, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सैलरी क्या दी जाएगी, आइए मैं बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सैलरी होता है 25,000 से 35,000 के बीच में होता है। पहले ही बताया कि डिफरेंट टाइप के सर्विस एजेंट का आपको काम करना हुआ कस्टमर सर्विस का, तो शुरुआत होता है आपका सबसे कम जो नीचे पोस्ट रहेगा उसके लिए 25,000 यानी 25,000, और हायर पोस्ट अगर आप देखेंगे तो 35,000 रुपीज पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी। अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, बम्पर नंबर की सीट है 1,074 पोस्ट के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से तैयारी की स्पीड को बूस्ट करो, फॉर्म अप्लाई करो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना है ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।